अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। इतने अरसे बाद कैसे याद आ गई हमारी? जी बस कुछ मसरूफियत थी। आपी मुझे रेहान से बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज उसे बुला दीजिए। जरूरी बात यहीं पे की ना तो अम्मी सर फाड़ देंगी। रेहान कमरे में, अंदर चली जाओ, मैं चाय बना के लाती। थैंक यू। जी इरफान साहब। जी जी जी, हो जाएगा, आप बेफिक्र, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अमल तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो प्लीज। नहीं, मैं एक्चुअली तुम्हें कुछ देने के लिए आई हूँ। ये रख लो प्लीज। ये क्या है? ये 40,000 है। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी खातिर अपनी बाइक भी बेच दी, इसलिए प्लीज ये रख लो। रेहान, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम टफ टाइम से गुजर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए प्लीज ये रख लो। तुम ये रकम रख लोगे तो मुझे खुशी होगी, तुम्हारे ही तो पैसे हैं। अमल तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये पैसे मैं वापस लूंगा? प्लीज ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, तुम मत लो, मैं तो ले सकती हूँ ना, लाओ मुझे दो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? वापस दे पैसे अमल को। बस कुछ मत कहना, तुम दोनों की बातें सुन ली है मैंने। अरे इस लड़की के खातिर तुमने मोटरसाइकिल बेच डाली और हमसे आकर झूठ बोला कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए रेहान तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आंटी प्लीज आप रेहान को कुछ मत कहिए। बस लड़की बीच में मत बोलो, सब तुम्हारा किया धरा है। और ये कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, सिर्फ 40,000 है ना? कौन से लाखों की रकम देने आई है ये जो वापस करने का कह रहे हो? अम्मी ये पैसे अभी के अभी अमल को वापस करें। अगर आपने पैसे वापस ना किए तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। अच्छा, अब इस लड़की की खातिर अपनी माँ को धमकी दोगे कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा? अच्छा आपको मेरी कसम अम्मी, मैं घर नहीं छोड़ूंगा, आप ये पैसे वापस कर दें बस। रेहान लो पकड़ो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से। मैं चलती हूँ। अमल 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 मेरी बात सुनो प्लीज। अम्मी सब क्या था? अरे होना क्या था, उस लड़की की खातिर इसने मोटरसाइकिल बेच डाली। चोरी नहीं हुई थी मोटरसाइकिल, झूठ बोला था हमसे। मैं बता रही हूँ इस लड़की के लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे बेटे से पैसे ले लेकर खा रही है। आहिस्ता बात कर रही, रेहान सुन ले। अरे तो सुन ले, मैं कोई डरती हूँ उससे? सुन लेगा। अमल 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 I'm so sorry, रेहान, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी इंटेंशन से हर्ट हो जाओगे। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज नहीं था। इट्स ओके। एक और बात भी है, मनाही लाई थी मेरे घर, वो बहुत परेशान है, उसे हमारे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। तुम जानते हो ना कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, प्लीज उसे समझने की कोशिश करो।
अमन, मैं किसी के साथ झूठी मोहब्बत का दिखावा नहीं कर सकता और ये बात मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है रेहान? और अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम उसे समझाओगी, उसे बताओगी कि वो अपनी जिंदगी में आगे जाए, मूव ऑन करे, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करे? बोलो कौन है? नहीं बताना, मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। क्यों? हम अच्छे दोस्त हैं ना, तुम मुझे तो बता सकते हो। अमल, वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा, फिलहाल मुझसे मत पूछो। चलती हूँ। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता। मैं चली जाऊंगी रेहान, शुक्रिया। आई एम सॉरी अमल, मैं कैसे कहता, मेरी चाहत, मेरा प्यार तुम, मेरी धड़कनों में सिर्फ तुम्हारा नाम बसता है, कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। आई लव यू अमल। अरे भाई, ऐसा क्या मसला हो गया कि तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुलाया? मुझे ये पूछना था कि तुमने अपने पापा से कहा है दोबारा मेरे घर आने के लिए? प्लीज बात करो ना यार। मैंने की थी बात यार, उन्होंने इनकार कर दिया, और जो तुम्हारी मॉम के घर में उनकी इंसल्ट हुई है वो कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। वासिल, उस बात के लिए मैंने माफी मांगी है यार, अब क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम है, वो कभी नहीं मानेंगे। वासिल, एक दफा बात तो करके देखो यार। ठीक है, करके देखूंगा, लेकिन अच्छा देखो, जहीन भाई के लिए मामा ने घर में एक पार्टी रखी, तुम अपने पापा से कहो उसी दिन घर पे आके बात करें, मामा का मूड अच्छा होगा, हो सकता है अच्छे से बात हो जाए यार। देखो, वादा नहीं करता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बात कर। और अगर नहीं भी मानते हैं तो फिर वी हैव दिस अनदर ऑप्शन, राइट? क्या कर सकते हैं? अगर नहीं मानेंगे तो फिर वही करना पड़ेगा, और तुम्हें मेरा साथ देना है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रख। मेरी खाला आ रही है अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया से, मसल सब चाहते हैं कि मैं अपने उस कजन से शादी करूं। सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, प्लीज बात करो। कोई सिचुएशन टफ नहीं होगी, हमें पता है हमने क्या करना। अगर वैसे नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो है।